नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएनसी न्यूज में। मैं हूं दिव्या भारती और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज नाइट। और अब खबरें विस्तार से। जहां देश की दो बड़ी पार्टियां केंद्र में अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो वहीं दिल्ली की सियासत से राजनीति में नई कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। क्या कुछ कहते हैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से आपके प्रत्याशी प्रोफेसर आनंद कुमार, उनसे बात की हमारे संवाददाता शुभम त्रिपाठी ने। चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है, नेता मैदान में है, आपको वोट देना है। वोट देने जरूर जाइए, लेकिन वोट देने से पहले अपने नेताओं को अच्छी तरह से परख लीजिए, उनके द्वारा किए गए विकास के दावों को अच्छी तरह से जान लीजिए। इस सिलसिले में हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर आनंद कुमार जी। आइए जानते हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी की अब के चुनाव में रणनीति क्या होगी। देखिए, ये चुनाव तो आम आदमी पार्टी के लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई का एक अगला चरण है। हमने भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से देश को मुक्त कराने के लिए जो अभियान चलाया, उसको चुनौती देते हुए देश के राजनेताओं ने कहा कि आप सड़कों पर प्रदर्शन करते हो, अनशन करते हो, धरना देते हो, अगर व्यवस्था बदलनी है तो चुनाव लड़ो और लोकसभा में आओ, विधानसभा में आओ। ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बहुत एक ऐतिहासिक जीत रही आपके विधानसभा चुनाव में, इससे दरकिनार नहीं है, लेकिन क्या 49 दिन की सिर्फ सरकार, आपको क्या लगता है कि जनता फिर से आप पे भरोसा करेगी? देखिए, जनता को ये बात तो नहीं पसंद आई कि सरकार कुल 49 दिन की क्यों रही। वो तो चाहते थे कि 5 साल चले, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल गई। उन्होंने कहा हम 40 एक तरफ और ये 28 एक तरफ, चलना मुश्किल हो गया। यानी विकास के मुद्दे तो अटक गए ना, आम जनता को क्या मिला? विकास के जनता को मिला पानी का सवाल, 600 लीटर से ज़्यादा पानी मिला गरीबों को, फिर बिजली का बिल आधा हो गएंगे, तो लोग अफसोस में हैं और उनको इंतज़ार है कि कब विधानसभा का चुनाव हो और ये 28 सीट वाली पार्टी को बदल के 48 सीट पार्टी, स्पष्ट बहुमत की पार्टी बना दें। आपको विश्वास है कि पूरा बहुमत आपको मिल पाएगा आपके चुनाव में? 100% जितना मैं घूम रहा हूँ उतने ही जो मुझे लोगों की तरफ से समर्थन मिल रहा है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के लिए भी नहीं है। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उम्मीदवार प्रोफेसर आनंद कुमार। इनके लिए अभी हमने बात की प्रोफेसर साहब से, इनके लिए विकास का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, इनके लिए आम समस्याएं हैं, जनता की आम समस्याओं से सरोकार रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या जनता इनको इस बार चुनेगी? क्या आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाएगी या फिर वही स्थिति रह जाएगी जो विधानसभा चुनाव में हुआ था? कैमरा पर्सन शांतनु कुमार के साथ शुभम त्रिपाठी, MCM नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, हर पार्टी के उम्मीदवार अपने अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली उत्तर पूर्व से प्रत्याशी जयप्रकाश वार, उनसे बात की हमारे संवाददाता करण गिडवानी ने। इस समय हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के उत्तरी पूर्व इलाके के सांसद एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के उत्तरी पूर्व इलाके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जयप्रकाश अग्रवाल जी। आइए देखते हैं कि श्रीमान जयप्रकाश अग्रवाल जी कितने परिपूर्ण एवं कितने मजबूत हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। जयप्रकाश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में आप पूरे 2,22,243 मतों से विजयी बने थे, तो इस चुनाव में आपको क्या उम्मीद दिखाई पड़ रही है? हर चुनाव एक चुनौती होता है और दिल्ली में 7 सीट कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का रुझान है और लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। जयप्रकाश जी, एक सांसद होने के नाते आपकी रणनीतियां और आपके विकास के मुद्दे क्या क्या हैं? ये बहुत बैकवर्ड एरिया है, मैं यहाँ से MP नहीं था, ये पहली बार है मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है और अगले 10-15 साल लगेंगे और कम से कम 10,000 करोड़ रुपये चाहिए यहाँ डेवलप करने के लिए। जयप्रकाश जी, जैसा कि आपने अपने फंड का 100% यानी कि पूरा का पूरा जो फंड है आपने अपने क्षेत्र के विकासकारी कार्यों में खर्च किया है, फिर भी आपके क्षेत्र के बहुत सारे इलाके जैसे कि सीलमपुर, जाफराबाद, जिन्हें दिल्ली का पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने आपको कहा कि 10,000 करोड़ रुपये चाहिए यहाँ डेवलपमेंट कराने के लिए,
और एमपीलैड का फंड होता 20 करोड़, और यहाँ 18 लाख वोटर हैं, 40 कॉरपोरेशन एरिया है, 10 विधानसभा है। यहाँ का जब तक ओवरव्यू नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं होगी, जब तक यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। ये तो रेत में बूंद के बराबर है। यहाँ विकास की बहुत सख्त ज़रूरत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक मदद नहीं करेगी यहाँ अगले 10-15 साल में इसको धीरे धीरे करने से काम नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के उत्तरी पूर्व इलाके के सांसद एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के उत्तरी पूर्व इलाके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जयप्रकाश अग्रवाल जी। अब देखना यह है कि जनता 10 अप्रैल को इन्हें वोट देकर विजयी बनाती है या नहीं। कैमरामैन शांतनु कुमार के साथ मैं करण गिडवानी, MCM न्यूज दिल्ली। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पार्टी प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों का भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी या हो आम आदमी पार्टी की बात, सबके समर्थक अपने प्रत्याशियों के साथ जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही कार्यकर्ताओं के साथ बात किया हमारे संवाददाता शुभम त्रिपाठी ने। हमारे पीछे है आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक, आइए हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस आधार पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। करना चाहती है जी, ये देश के लिए कुछ करना चाहती है, गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है हर आदमी को। उसके पहले भी तो पार्टियां थी, वो भी तो कुछ करप्ट हैं, सबको देख लिया, एक बार इस बार इसको भी देखना चाहते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं समर्थक, आप ये कह रहे हैं कि एक बार सबको मौका दे चुके, अब एक मौका इनको भी दे। उनका रुख किधर लगता है, जीतेगी आपकी पार्टी? जरूर जीतेगी, जरूर जीतेगी, बहुमत से जीतेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो आपने जनता को धोखा दे दिया, जैसा रिव्यू आता। धोखा नहीं दिया, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं बना जो अपनी सीट खुद छोड़ के गया हो, भगाने पे भी नहीं भागते अपनी सीट छोड़ के। और उनको देखो, अपनी नौकरी भी छोड़ी और सीट भी छोड़ के आराम से गए, एक जनता के लिए कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, पूर्ण रूप से बहुमत आएगा जब हम अपनी सीट पे बैठेंगे, किसी का समर्थन नहीं मांगेंगे इस बार। पे जो कार्यकर्ता बैठे हैं या कार्यकर्ताओं की जगह है पदाधिकारी गण, जो जितने भी हैं बीजेपी के, वो आइए जानते हैं कि क्या क्या उम्मीदें हैं उनकी नरेंद्र मोदी जी से। आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार मीना है। मैं पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। और इस बार हमारा जो मिशन है, मिशन 272 को पूरा करना है। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 300 प्लस कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीत के चुनाव सीट के साथ में चुनाव जीतेगी। जी ने एक भाषण में कहा है कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, तो राहुल गांधी क्या बहुत बड़े हो गए हैं? उन्होंने अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनका बच्चा कितना छोटा सा है अभी? अब की बारी। अपने विवादित बयानों व जहरीले बोलों के लिए पूरे देश में मशहूर केंद्रीय इस्पात मंत्री व गोंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर अपनी जुबान से आग उगलते हुए नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह पर जमकर निशाना साधा। बेनी ने राजनाथ और मोदी को गुलाम बताया तो नरेंद्र मोदी को RSS का सबसे बड़ा गुंडा कह दिया। साथ ही साथ बेनी ने RSS और BJP पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगा दिया। बेनी ने कहा कि महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म के लिए शहीद हुए और RSS व BJP के लिए उनके गुलाम। राजनाथ अध्यक्ष नहीं है, मोदी गुलाम है। हमने गांधी जी सेक्युलरिज्म के लिए शहीद हुए हैं और RSS और भाजपा के लोगों ने उनकी हत्या की है, इसलिए मूल के गुनाहगार हैं, उनको सजा देना। चुनाव में मोदी RSS का सबसे बड़ा गुंडा है। जिस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह की भाषा लोकतंत्र में नहीं बोली जाती। लोकसभा चुनावों में जहां चुनाव आयोग लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के बादर ब्लॉक से लगभग 80,000 मतदाता चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और बाकायदा जगह जगह इसके लिए बाजारों में बैनर भी लगा रखा है। दरअसल बादर ब्लॉक के लोगों का कहना है कि 2 साल पहले यहां पर ब्लॉक सुल्तानपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन अब इसे अमेठी से जोड़ दिया गया और अब मुख्यालय तक जाने के लिए इनको 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। और हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, हमारा जिला गौरीगंज बहुत दूर है, 45 किलोमीटर है, हम लोग सुल्तानपुर 16 किलोमीटर है, हम लोग सुल्तानपुर में रहना चाहते हैं। हम लोग जब तक अपने सुल्तानपुर नहीं जोड़ेंगे चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम लोग किसी पार्टी को नहीं वोट करेंगे।
कि हम लोग गौरीगंज नहीं जाना चाहते हैं, हम लोगों को सुल्तानपुर में जोड़ा जाए। एक हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हम किसी को वोट नहीं दें, किसी भी पार्टी को, चाहे लोकसभा हो या ग्राम सभा हो या विधानसभा हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह पर संदेश यात्रा के बैनर तले बड़ी संख्या में लामबंद हुए लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। 66 आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की मांग है कि बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु प्रमाण पत्र और ब्रिटिश करेंसी की जगह आजाद हिंद फौज की करेंसी लागू किया जाए। तो वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि 11 जनवरी 2014 से मध्य प्रदेश के सागर से शुरू हुए सत्याग्रह आंदोलन गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा होते हुए 15 मार्च को मथुरा पहुंच गया। आजाद हिंद बैंक करेंसी इंपरर है, सोवरेंटी है, उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और ये राष्ट्रीय आंदोलन है। इसी के लिए जो है राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से चला, जिसमें हमारे बहादुर शाह जो सेकंड थे वो इंपरर थे और उनको गिरफ्तारी हुई और रंगून में ले जाकर के उनको फांसी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आबकारी विभाग ने छापा मारकर भारी मात्रा में कच्ची शराब और लेहन बरामद किया। आपको बता दें कि शराब तस्कर इतने शातिर थे कि शराबों से भरी थैलियों को पेड़ों पर टांग कर रखा था। दरअसल जिला प्रशासन को सूचना मिली कि लोकसभा चुनावों में सप्लाई करने के लिए भारी मात्रा में देशी शराब बनाई जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर आबकारी विभाग ने कोतवाली के देवीगंज कस्बे में छापा मारकर देशी शराब और उसके उपकरणों को बरामद किया। सूचना के आधार पर देवीगंज में छापा मारा, 30-40 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली। अभियुक्त लोग दबिश पार्टी को देख के मुश्किली भाग गए सब लोग, लेकिन चिन्हित किए जा रहे हैं, वो लोग बच नहीं पाएंगे आगे भी। शिकायतें इनकी गंभीर हैं और पूरी तरह कारोबार बंद कर देंगे वरना नष्ट किया जाएगा इनका सारा रॉ मटेरियल और कड़ी से कड़ी धाराओं में इनको दंडित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से है, जहां एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जिले के बसावनपुर गांव के पास तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें चालक सहित 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गाड़ी में 13 लोग सवार थे, घायलों को बरेली रेफर किया गया। टोटल 12 लोग सवार थे, इसमें टायर फटने से अचानक गाड़ी जो है शीशे ऊपर से टकराई और उसमें 4 लोग तो ऑन स्पॉट खत्म हुए और 2 लोग हॉस्पिटल में आकर खत्म हो गए। बाकी 6 का उपचार के लिए बदला भेजा गया था, जिसमें एक बरेली रेफर कर दिया। बदायूं पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया और थाने में जमकर तोड़फोड़ की, तो वहीं पुलिस की जीप में आग भी लगा दिया। दरअसल बदायूं के कोतवाली बिसौली क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर के रहने वाले हरकेश को भैंस चोरी के आरोप में जेल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि हरकेश की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। तो वहीं पुलिस अधिकारी का भी कहना है कि इस मामला थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। 5000 रुपए को पकड़ के लेके आए थे और भैंस चोरी करने की उन्होंने मुकदमा लिखवाया था। आने वालों ने सुबह जैसा बताया गया है उसको तत्काल अस्पताल में मेडिकल कराया, मेडिकल कराने के बाद उसको कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने कह दिया कि इसको आप जेल में दाखिल कर दें, तो उसको जेल ले आ रहे थे, रस्ते में इसकी मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।